हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बर्ड ब्रीडिंग बाय लखविंदर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक सस्ती पेयरिंग से एक एक्सपेंसिव म्यूटेशन को डेवलप कर सकते हैं। लुटिनो अपलाइन एक काफ़ी ब्यूटीफुल बर्ड है एंड जो इसका मार्केट में डिमांड है या जो इसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लुटिनो अपलाइन के चिक्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन सी पेयरिंग करने से हमको लुटिनो अपलाइन चिक्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको जेनेटिक कैलकुलेटर के बारे में नहीं पता है इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने उसकी एक सेपरेट से वीडियो बनाई रखी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे उसे क्लिक करके एक बार देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। लुटिनो अपलाइन बनाने के लिए हमें जो पहली बर्ड की ज़रूरत है वो है एक लुटिनो फिशर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NSL इनो लिखा हुआ है और यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जो 1.0 वाला कॉलम है उसमें NSL इनो को टिक कर देंगे। उसके बाद जो हमको फीमेल की ज़रूरत है वो चाहिए हमें ग्रीन ऑपलाइन। तो यहाँ पे 0.1 दिया रखा है, 0.1 मतलब होता है फीमेल एंड 1.0 मतलब होता है मेल। तो 0.1 वाले कॉलम में हम ऑपलाइन को टिक कर देंगे। चलिए, हमने पेरेंट्स के म्यूटेशन सेलेक्ट कर दिए हैं, अब हम रिज़ल्ट जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट हो गए हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 100% दिखाई दे रही है, बोथ ही मेल की एंड फीमेल की भी। तो जो हमारे पास मेल आएंगे एंड जो फीमेल आएंगे वो विजुअली ग्रीन बर्ड होंगी एंड जो मेल होंगे वो हमारे स्प्लिट होंगे लुटिनो ऑफलाइन के। तो जो हमको आगे की पेयरिंग करनी है उसमें हमें हमारे मेल काम आएंगे, हमें फीमेल से कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो लास्ट पेयरिंग से चिक मिले थे वो विजुअली ग्रीन बर्ड थे एंड वो स्प्लिट थे NSL इनो ऑफलाइन यानी कि लुटिनो ऑफलाइन। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर विजुअल बर्ड हम जेनेटिक कैलकुलेटर में मार्क नहीं करते हैं तो जो जेनेटिक कैलकुलेटर होता है वो उसे ग्रीन कंसिडर कर लेता है। तो इस केस में हमारे पास जो मेल है वो ग्रीन बर्ड है, तो हम इस वाले विजुअल वाले कॉलम में कुछ भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे एंड वो जो मेल है वही स्प्लिट है लुटिनो ऑफलाइन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो NSL इनो है उसे मार्क कर देंगे एंड ये स्प्लिट वाले कॉलम में, एंड जो ऑफलाइन वाला है उसको भी मार्क कर देंगे मेल के लिए ही। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी फीमेल है वो होगी हमारी एक नॉर्मल विजुअल लुटिनो फिशर। तो ये हमारी नेक्स्ट पेयरिंग है। चलिए अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखिए, जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमें मिल रहे हैं 25% की प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारे डिफरेंट म्यूटेशन देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए, हमको जो चिक चाहिए, जो लुटिनो ऑफलाइन चिक चाहिए, विजुअल बर्ड चाहिए, वो हमको यहाँ पर मिल गई है। लास्ट में देखिए 25% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 0.1 NSL इनो ऑफलाइन, मतलब कि हमारे पास एक फीमेल आने की चांसेस है जो लुटिनो ऑफलाइन होगी। तो इसी तरह एक सस्ती पेयरिंग करके हम काफ़ी एक्सपेंसिव म्यूटेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।